एक अल्ट्रासाउंड सिस्टम के सबसे अहम डिवाइस को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का बना होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलने पर वाइब्रेट करने लगता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रेशर वेव्स बनती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। खास बात यह है कि ये क्रिस्टल्स रिवर्स में भी काम कर सकते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रेशर वेव्स की प्रेजेंस में ये क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही ट्रांसड्यूसर हमारे शरीर पर अल्ट्रासाउंड वेव्स डालता है, वो हमारी स्किन को पास करते हुए सीधे शरीर के अंदर पहुंच जाती हैं। यहाँ ये विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स और डेंसिटी वाले टिश्यूज से रिफ्लेक्ट होकर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल तक पहुंचती हैं। एक सेकंड में हजारों बार ऐसा होता है। रिफ्लेक्टेड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदला जाता है, जिन्हें एक कंप्यूटर द्वारा उनकी स्ट्रेंथ और एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से अलग अलग ब्राइटनेस के पॉइंट्स वाली एक इमेज में बदला जाता है। एक मेडिकल ट्रांसड्यूसर में क्रिस्टल्स के कई सारे अरेज होते हैं, जिनमें हमें एक सीरीज ऑफ इमेज लाइंस मिलती हैं, जो कि एक कंप्लीट इमेज फ्रेम बनाती हैं, जिसे सोनोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा सभी क्रिस्टल्स को कई बार कुछ इस तरह सक्रिय किया जाता है कि प्रति सेकंड लगभग 20 बार कंप्लीट इमेज फ्रेम बनता है, ताकि हम अल्ट्रासाउंड इमेज में रियल टाइम मोशन देख सकें।